आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज देखिए आज क्या दिन है। आज बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि जो कि ना बैंकिंग का एस्पिरेंट है, हर साल सपने देखते हैं कि इस साल मेरा जॉब लग ही जाएगा क्योंकि बैंकिंग का नौकरी है। तो सर 8 महीने में पूरा रिजल्ट फाइनलाइज हो जाता है। मतलब अगर आपका प्रिपरेशन कंप्लीट है, विद इन 8 मंथ यू विल बी सीटेड ऑन योर ब्रांच। तो देखिए RRB जो PO है, ये क्या है, ओपनिंग सेरेमनी करता है बैंकिंग एग्जाम का। तो आज जो है सेकेंड शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है, उसका एनालिसिस हम लाएंगे क्योंकि सर जो स्टूडेंट थर्ड शिफ्ट या फिर फोर्थ शिफ्ट में जाते हैं उनको कुछ ना कुछ आइडिया मिल पाएगा। हम लोग कोई टेंशन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि क्या पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। तो वही पैटर्न फर्स्ट शिफ्ट सर ने कर ही दिया है, आप लोगों ने देख ही लिया है। तो उसी पैटर्न का लगभग सेम पैटर्न का ऑलमोस्ट आया है। तो चलिए सेकेंड शिफ्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो सर फर्स्ट आया है, जैसे कि हम लोगों को पता होता है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, टोटल सर 80 क्वेश्चन है। लेकिन टाइमिंग सर ऑलवेज आपको 45 मिनट है, 45 मिनट है। और सर इस बार रीजनिंग का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पर सर शिफ्ट 2 लिख दीजिए। हाँ ठीक है, ये है शिफ्ट आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग का जो था ये मॉडरेट नहीं था, इजी था एक्चुअली, ये प्रीवियसली है। तो आप लोगों के पास हम लोगों का एनालिसिस जल्दी से जल्दी जाना चाहिए क्योंकि ये मैटर नहीं करता है PPT क्या है। ठीक है, हम लोग आपको एकदम ऑथेंटिक न्यूज देंगे क्योंकि हम लोग का थंबनेल में ही लिखा है सबसे पहले और सबसे सटीक, एकदम एग्जैक्टली। तो देखिए इजी था लेकिन क्वांट थोड़ा मॉडरेट दिया है, थोड़ा लेंदी दिया था, लेकिन बैक टू बैक सर दोनों शिफ्ट में ही रीजनिंग आपका सब्जेक्ट तो सबको खुश कर दिया सर, मेरा सब्जेक्ट थोड़ा निराश कर दिया स्टूडेंट को। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया है। ओवरऑल अगर हम बोले तो सर इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट सर एक बार देख लीजिए, मैथ्स है। मैथ्स अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि अप्रोक्सीमेट से क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, अप्रोक्सीमेशन से सर स्टूडेंट्स ने जितना बोला कि 5 क्वेश्चन पूछा था, मॉडरेट लेवल था सर, पूछा गया था एग्जैक्ट। सेकंड आप लोग देखोगे कि DI क्वाड्रेटिक लिखिए, 5 क्वेश्चन पूछा गया था, 5 क्वेश्चन पूछा गया था। एक सेकेंड सर, क्वाड्रेटिक से 5 क्वेश्चन पूछा था। और देखिए क्वाड्रेटिक में ना ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास में करवाते हैं, लाइन से पूछा, लाइन वाला से पूछा गया था। नहीं, क्वाड्रेटिक में हम लोग क्लास में क्या बोलते हैं कि ऑलवेज एक क्वेश्चन आता है जो देख कर ही कैन नॉट बी डिटरमाइन, साइन वाला देख के आप कर सकते हो, और यही आया है इसमें, एक क्वेश्चन आया है क्वाड्रेटिक में जो आप देख के बना सकते हैं, जिससे कि एक टेबल फॉर्मेट में पूछा गया दिखाई दे रहा था। मेल और फीमेल रॉन्ग नंबर लिख दीजिए, रॉन्ग नंबर 5 क्वेश्चन आया है, लेकिन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आया है सर। रॉन्ग नंबर सीरीज जो 5 नंबर का है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया है। एरिथमेटिक का जो प्रॉब्लम है वो 10 क्वेश्चन आया है, स्टूडेंट्स ने बोला है। कौन कौन सा चैप्टर का वो हम बाद में बता रहे, लेकिन 10 क्वेश्चन आया है। केसली DI नहीं आया है सर, नहीं आया है सर। लाइन ग्राफ आपका आया है, आया हुआ है। हाँ लाइन ग्राफ ठीक है, 5 क्वेश्चन। टेबुलर भी एक आया है। तो टेबुलर से देख रहे कि मेल और फीमेल वाला जो आया है, एग्जैक्टली सर, यहाँ पर सर लाइन ग्राफ देके रखा है, टेबल ग्राफ जो है यहाँ पर मेल फीमेल वाला कुछ है सर, एक बार लिख दीजिए मेल फीमेल है, मेल फीमेल है सर, एग्जैक्टली। और सर यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेशन टोटल कितना हुआ देखिए, टोटल अगर देखा जाए तो कितना, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, 25, 30, 35 और 5 मार्क्स आपका है। अरिथमेटिक से 10 आया है, रॉन्ग नंबर सीरीज से 5 आया है, अप्रोक्सीमेशन से 5 आया है, क्वाड्रेटिक से आपका 5 आया है, क्या लाइन ग्राफ 2 दिया है, तो मेबी लाइन ग्राफ 2 दिया है ना, नहीं एक ही दिया है सर, क्योंकि यहाँ पे DI लाइन ग्राफ स्टूडेंट ने बोला है और एक है टेबुलर ग्राफ। ठीक है, अरिथमेटिक ये बोला गया है, क्वाड्रेटिक मेबी यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, या फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन सर मेंसुरेशन से बना है, मेंसुरेशन से ना, एग्जैक्टली सर, मतलब 12 क्वेश्चन तो हो ही गया, मेंसुरेशन से 12 क्वेश्चन हो गया, मेंसुरेशन आपका 2 क्वेश्चन बना है। ये था आपका मैथ्स का एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन अरिथमेटिक में चैप्टर आया है, उससे कुछ कुछ स्टूडेंट ने बोला है, एक आया है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने क्लास में बार बार बोला है। ट्रेन का क्वेश्चन आया है आपका, ट्रेन का इजी वाला ही क्वेश्चन दिया है। टाइम एंड वर्क जो
प्रॉफिट ना हर साल देता है, इसमें नया कुछ नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस दिया था और सारा चैप्टर से लगभग एक एक क्वेश्चन आया था, एज का क्वेश्चन आया था, लेकिन जो ओवरऑल एनालिसिस हम बोले स्पेसिफिकली रॉन्ग नंबर सीरीज, देखिए ये हम एक ही चीज बोलते हैं, इट इज वन काइंड ऑफ स्लो पॉइजन, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज सब करने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग, तो वो बाद में अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा सा देखकर अटेम्प्ट कीजिएगा, एप्रोक्सीमेशन भी अच्छा खासा लेंदी थोड़ा बहुत आया था, ठीक है। क्वेश्चन हम लेके बाद में आएंगे, आपको बोल दे रहे कहां से क्या क्वेश्चन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो क्वेश्चन ऐसा था कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, प्लस हो कि माइनस हो वो मैटर करेगा, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था, ठीक है, मतलब आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो पूरा ओवरऑल बोले तो ये सर मॉडरेट पेपर था, क्योंकि थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना होता था। तो यहाँ पर मैथ्स में अगर आप गुड अटेम्प्ट हम बोल सकते हैं 23 to 25, ये हम बोल सकते हैं गुड अटेम्प्ट था। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं सर रीजनिंग पे, तो जैसे कि रीजनिंग पे सर अनसर्टेन नंबर का बोला गया था, ठीक है, वो फर्स्ट शीट में था, फर्स्ट शीट में था, इसमें इसे बोला गया था क्या, इसमें इसमें सर बोला गया था रो पजल था नॉर्थ साउथ फेसिंग, ठीक है, रो पजल था, इजी दिया था, मतलब इजी था, पूरा पूरा इजी था, रीजनिंग इजी पेपर था सर, मतलब डुएबल था, क्या बने एक ही बने रो था उसमें कि फेसिंग नॉर्थ था फेसिंग साउथ था, हां एक ही रो था नॉर्थ, मतलब मिसलियस वाला नहीं आता कि सम आर फेसिंग द नॉर्थ सम आर फेसिंग द साउथ, ठीक है ना, जो क्लास में बहुत बार करवाए भी है बच्चे लोग को, तो वो इजी फॉर्मेट में होगा, तो उससे कितना पूछा गया था, लगभग पांच क्वेश्चन था, हां पांच क्वेश्चन था, मान लेते हैं कि इसमें ये हो सकता है इसमें पांच पूछा गया सिटी गवर्नमेंट से। सर यहाँ पर देखिए पजल बेस था, ईयर बेस था, एज था, पजल से अगर देखेंगे कि जैसे कि मान लो ईयर बेस सेकंड में देखेंगे, जैसे हम लोग टारगेट किए थे कि मन डेट से होना चाहिए, ये तरह का पजल हम लोग बार बार करवाए थे, लेकिन यहाँ पर ईयर पजल पूछा गया और ईयर पजल भी हम लोग क्लास में बहुत बार करा चुके हैं, ठीक है, अक्सर ईयर पजल में आप लोग देखोगे कि बहुत इजी फॉर्मेट में क्वेश्चन होता है, ज्यादा हार्ड होता नहीं है, एक बार ईयर हो गया उसके बाद एज फिक्स कर दोगे और धाएं धाएं बनना स्टार्ट हो जाता है, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है ना। और एक पजल आप देख रहे कि बिल्डिंग फ्लोर पजल का पूछा, ठीक है ना, तो फ्लोर पजल से एक गया था, तो यार फ्लोर पजल को लिखे नहीं, तो इसी में काट देते वाला, हाँ काट दीजिए सर, स्क्वायर बेस को काट के फ्लोर बेस लिख दीजिए, तो बता एक फ्लोर पजल पूछा गया, ठीक है, और वो भी फ्लोर पजल शायद मेरे हिसाब से बहुत इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था, फ्लोर पजल सर ज्यादा वेरिएबल का था भी नहीं, नहीं। हाँ। और एक पजल हम लोग नहीं करवाते थे कि जो हम लोग बोलते थे फिलिंग द ब्लैंक पजल, सिक्स पर्सन है, सिक्स बुक्स है, सर, बुक्स भी था, ठीक है ना, तो वो बाकायदा आप आराम से एक्चुअली ये मंथ बोल रहे तो कहीं ना कहीं ये मंथ पजल में आ जाता है, देखिए सर सारा पजल लगभग इजी था, इजी दिया था, बहुत ज्यादा वेरिएबल था भी नहीं, था ही नहीं, तो एक ही क्वेश्चन था जिसमें दो वेरिएबल था, अगर पकड़ लेंगे मंथ को तो टोटल थ्री वेरिएबल था, मंथ था, पर्सन था, और बुक्स था, ठीक है, ये पजल दिया था, थोड़ा टफ होगा, टफ होगा थोड़ा, नहीं सर इजी था लेकिन वेरिएबल होगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखने को मिला कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बोले भी थे कोडिंग डिकोडिंग टारगेट करता है, खासकर आरबी टारगेट करता है कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन ध्यान से दोस्तों बिकॉज़ फर्स्ट शिफ्ट में जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था ना वो सर छह क्वेश्चन था, स्टूडेंट्स ने ये बोला है, यहां पर सर तीन क्वेश्चन दिया है, तीन क्वेश्चन दिया है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, तो चाइनीज कोडिंग वही जो हम लोग कॉमन रीसेंट कोडिंग डिकोडिंग नहीं करवाते थे, जैसे कि लिखा हुआ कॉमन के हिसाब से डिनोट करना है, तो वो बहुत इजी फॉर्मेट में होता है, ज्यादा हार्ड होता नहीं, ठीक है ना। एक सर वो एसएससी वाला कोडिंग डिकोडिंग नहीं होता कि जैसे कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि मान लो कि गुड्स को ये वर्ड बोला जा रहा है और इसको कौन सा वर्ड बोला जा रहा है, ठीक है, तो वो भी बहुत सारे क्लास में करवाए जिसको हम लोग लेटर कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं लेटर कोडिंग डिकोडिंग, बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया, तो कोडिंग डिकोडिंग से ओवरऑल चार क्वेश्चन पूछा गया था, बोले भी थे कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे चार क्वेश्चन वहां से निकाल सकता है और वहां से निकला भी होगा आप लोग का, ठीक है। सिलोगिज्म पांच नंबर दिया, सिलोगिज्म हम बोल रहे थे कि इस बार ओनली फ्यू वाला कॉन्सेप्ट बार बार हम लोग जब भी हम लोग जो प्रैक्टिस बैच चल रहा था उस प्रैक्टिस बैच में मैंने बार बार सिलोगिज्म पर ज्यादा फोकस करवाया था, क्योंकि हम बोले थे कि आरआरबी अक्सर होता है ना, आरआरबी का जो होता है पैटर्न कुछ साल से वो फिक्स होता चला जाता है, तो आरआरबी का कुछ साल का पैटर्न देखे थे जिसमें सिलोगिज्म से बाकायदा वो क्वेश्चन पूछा गया था और ओनली फ्यू वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा गया, तो आप लोगों को क्लास में वो चीज हो गया होगा, ठीक है। और जैसे कि मैं इनइक्वालिटी दिया था सर, इनइक्वालिटी नॉर्मल इनइक्वालिटी, तो सिलोगिज्म से भी पूछा गया, प्लस क्या
पांच क्वेश्चन इससे पूछा गया, इनिक्विलिटी से पांच क्वेश्चन सर, ठीक है ना, पांच क्वेश्चन। यस सर, तो बच्चे लोग तो बल्ले बल्ले हो गया सर, ठीक है ना सर। डायरेक्शन से पूछा गया है तीन क्वेश्चन। वाह, तो मतलब यही से तो आपको देखेंगे तो लगभग कितना हो गया यहाँ पर, सॉरी सर, इनिक्विलिटी से चार क्वेश्चन पूछा, चार पूछा गया, चार पूछा, अच्छा चार इसको काटते, चार पूछा गया सर। ब्लड रिलेशन नहीं आया है, लेकिन शिफ्ट वन में ब्लड रिलेशन बोले थे आया, दो नंबर का आया था, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि देखिए बहुत स्टूडेंट सेकंड शिफ्ट में बोला गया है कि ब्लड रिलेशन आया ही नहीं, ठीक है, तो ये अच्छा एक चीज है। देखिए अच्छा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अभी जो ब्लड, पहले जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनता था ना, तो एक क्वेश्चन बनता था, अभी ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन बन रहा है ना, वो वन काइंड ऑफ पजल ही बना दिया, पजल ही बना है, तो जो पजल ब्लड रिलेशन से पूछा, टाइम थोड़ा आरआरबी में कम ही रहता है, अगर नहीं दिया है तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट में तो जरूर देगा, आई होप सो सर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये ऐसा एक चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर मान के चले कि जैसे कि हम लोग देखें कि ये तीनों जो चैप्टर है आपका, सेलुलरिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इन तीनों चैप्टर ओवरऑल 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन आप लोग इस पर ज्यादा मेहनत करके पेयरिंग का क्वेश्चन भी पूछा था, पेयरिंग का क्वेश्चन आराम से एक क्वेश्चन बनता है, हर शिफ्ट में हुआ है, तो वो तो बताए थे हम लोग जो प्रैक्टिस पेपर करे तो सर पेयरिंग का सम तो था ही, आप लोगों को बना ही लिए होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इसको माने तो कहीं नहीं, रीजनिंग बहुत इजी गया, रीजनिंग इजी गया, क्योंकि देखिए दोस्तों एक चीज आपको सोचने का चीज है, यहाँ पर दो ही सेक्शन रहता है, इंग्लिश नहीं रहता है, तो दो सेक्शन में डेफिनेटली एक सेक्शन इजी ही देगा, तो पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में दो शिफ्ट में ही रीजनिंग इजी दे दिया है, मैथ्स थोड़ा मॉडरेट दिया है, आई होप सो नेक्स्ट में क्या होगा, थोड़ा बहुत ये वाला मॉडरेट करेगा, मॉडरेट इन द सेंस क्या होता है, लेंथी होता है, टफ नहीं हुआ है, ये हम बार बार बोल रहे, क्योंकि सभी ने जितना मैंने स्टूडेंट्स को पूछा था, आप लोगों ने शायद लाइव देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो देखिए हम लोगों के चैनल में लाइव है भी, स्टूडेंट्स ने ये बोला है सर कि 58 to 60 वो अटेम्प्ट कर रहा है, 58 to 60 आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, जिनका थर्ड शिफ्ट या फिर फोर्थ शिफ्ट है, मेरा सजेशन आपसे प्लीज ये है कि डरिए मत और एक्यूरेसी सर मेंटेन करना होगा, ज्यादा अटेम्प्ट करने का दरकार नहीं आप लोग को, ठीक है ना, जितना कीजिए सटीक कीजिए, ठीक है ना, तो ये हम बार बार बोल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए चारों पजल दिया था, लगभग 20 मार्क्स हो गया, यहाँ पर पांच पांच दिया था, 35 मार्क्स ऑलरेडी डन, तो यहाँ पर मिसलेनियस कुछ दिया था सर, आपका बन गया, बन गया लगभग 40 क्वेश्चन का राउंडिंग बन गया, ठीक है ना, तो लेकिन अगर ओवरऑल पेपर बोले मैम कि शिफ्ट वन शिफ्ट टू को देखेंगे, बोथ आर इजी टू मॉडरेट, ठीक है ना, बहुत इजी है, और आप लोग आराम से कॉन्फिडेंस से जाओ और डेफिनेट अच्छा स्कोरिंग करके दिखाओगे, एकदम अच्छा होगा, और इसका अगर सर गुड अटेम्प्ट बोले पूरा पेपर का, जो लोग मतलब टेस्ट दिए उसके अटेम्प्ट से गुड अटेम्प्ट हम बोल सकते हैं, दैट इज 52 to 56 सर अच्छा अटेम्प्ट है ये पेपर का, और हमको अराउंडिंग जैसा शिफ्ट वन शिफ्ट टू से लग रहा है कि अगर 50 या 60 के बीच में अगर आप सटीक अगर आप करते हो तो डेफिनेट आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट में सिलेक्शन गारंटी हो गई, तो देखिए ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम का एनालिसिस है फिर से हम आएंगे, ये सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर किए होंगे, और शिफ्ट 3 का भी हम लोग आएंगे बुलेटिन लेके, तो उसमें क्या होगा उसको बताएंगे, तब तक देखिए टेंशन मत कीजिए, जिन लोगों का अपकमिंग एग्जाम है ऑल द वेरी बेस्ट, डरिए मत, अपना 100% दीजिए, सिलेक्शन तो जरूर होगा, और हम लोग हैं ना, हम लोग चलिए, तो चलिए दोस्तों एक ये वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए बार बार नहीं बोलने का चीज है, बिकॉज हम लोग और आप लोग जुड़ेंगे तभी तो सक्सेस जल्दी से जल्दी हो जाएगा, बनेगा, चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीक में फिर मुलाकात होता है, बाय बाय, थैंक यू।